this was a siren. 5-10 log ek saath udte to bahut eco sound sound aata hai isme. Good morning beautiful people. Good morning from Kohima. सोए तो कोई माँ में थे और उठे तो कोई माँ गायब हो गई थी. पूरी सिटी है यहाँ पे, रात में दिखाया था मैंने और अभी गायब, नथिंग इज विजिबल. तो ऐसा है कि उठ तो गए हैं. पहले मुझे ये रूम अलॉट हुआ था मगर ये अभी कंस्ट्रक्शन में है. यहाँ पे गेस्ट हूँ तो गो. फिर उन्होंने बोला कि साथ में ही सो जाओ. जैसे इधर गुरुद्वारा है और इधर हमारे सुरेंद्र भाई सो रहे हैं और यहाँ हम सोए थे. हम लोग बना रहे हैं चाय. इस ट्रिप से मैंने चाय पीना स्टार्ट किया है, मतलब कि आदत सी हो गई है. घर पर चाय पी लो, चाय चाय चाय. पहले मैं चाय नहीं पीता. गो वैली जाएंगे. अगर रास्ते में किसामा गांव है, किसामा गांव अगर रुकने का मौका मिलता है तो उधर आपको दिखाएंगे जिधर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है. नहीं तो डायरेक्ट जूको पॉइंट से ट्रैक स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रैक भी लंबी है, 10-15 किलोमीटर ऐसा ट्रैक है तो वो भी करना है. तो शाम होते होने से पहले हो जाना चाहिए, 6 बजे से पहले अंधेरे में, क्योंकि हो नहीं पाएगा. तो ये है सीन. पीते हैं चाय, करते हैं पैकिंग और चलते हैं आगे. ये रहे हमारे सुरेंद्र पाजी. कल एक्चुअली दिखा नहीं पाए हम लोग क्योंकि कल इतना बाहर से आकर थक गए थे कि कुछ किया ही नहीं, बस खाया पिया और सो गए. तो अभी है सुरेंद्र पाजी. वैसे बिहार से हैं, कटिहार से अपने जिला काड़ा बोला. हाँ तो कभी आप स्टेशन के पास, काड़ा बोला स्टेशन के पास घर है और मैं कोहिमा में ड्यूटी करता हूँ गुरुद्वारे में. अच्छा जी, अगर किसी को कटिहार में जाना है चाहे आपको किधर भी जाना है, ठीक है, इधर आना हो तो गुरुद्वारा आइए. हाँ आपको इधर मिलेंगे. अगर हमारी ड्यूटी यहाँ रही तो मिलेंगे, नहीं तो. और बहुत अच्छा यहाँ पे खातिरदारी की है मैंने, मतलब कि अब देखो साथ में रह रहे हैं, दोस्तों की तरह अपना खाना बना रहे, खा रहे और मस्ती कर रहे, तो यही तो चाहिए और क्या चाहिए. क्या घर से दूर होकर भी अपना मतलब घर जैसा फीलिंग है. बाकी आज मेरा वही प्लान है, खाना है वही वही नहीं है जो है अपना पक्ष. तो घी लगाता है बहुत, सोच सोच के घी लगा रहा है, सोच के घी मत लगा, लगाने से डरना है. नहीं क्लियर हो गया. ओ सिटी क्लियर दिख रही है, अभी सुबह नहीं दिख रही थी ना. ये देखो पूरा सिटी अभी क्लियर हो गया. तो चलते हैं, खाते हैं, नाश्ता करते हैं और भागते हैं इधर से क्योंकि लंबा ट्रक है यार. अच्छा 8:30 हो चुका है और इधर गुरुद्वारा था जो आपको मैंने दिखाया है लास्ट ब्लॉग में. ये हॉल है और वहाँ पे गुरुद्वारा, वो अभी दर्शन करके ही जाएंगे हम लोग. जैसे सुरेंद्र भाई जी, अगर मतलब उधर गेस्ट का फुल हो गया तो इधर भी तो मिल सकता है ना सोनक में. हाँ तो जैसे कि गेस्ट का फुल हो गया तो आपको इधर भी रहने में मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं. बस आप स्लीपिंग बैग ऐसा भी नहीं है, कंबल वम्बल सब कुछ है यहाँ पे. तो चलिए यही था अपडेट. चलने का हो गया टाइम, इधर से 9:10 हो गए और थैंक्स टू सुरेंद्र पाजी, खाना भी पैक करके दे दिया इन्होंने यार, मना करने के बाद बाद अगर खाना भी पैक करके दे दिया, सो स्वीट ऑफ हिम. ये भैया हैं जो इधर अभी आए हैं, ये जो गेस्ट हाउस में काम चल रहा है वो कंप्लीट करने के लिए. बाकी अभी कोई सामान छोड़ा तो नहीं ना मैंने, सब कुछ ले लिया. तो निकलते इधर से यार क्योंकि लंबी जर्नी आज की. चलिए सुरेंद्र भैया, ठीक है, मिलते हैं फिर, फ़ोन करूँगा मैं आके. ओके बाय, टेक केयर. तो यहाँ से निकल के हाईवे की तरफ भागूंगा और फिर हिचाइक करने का है. पहले कुछ कुछ सामान खरीद लेना है मेरे को, मार्केट चलना है क्योंकि उधर मैगी वैगी बनाने होगा, क्योंकि सुपरमार्केट से कुछ सामान लेना है, इधर का तो ताने लगा है भाई. उसके अलावा और क्या यार, भूल गया क्या मैं. हाँ पेट्रोल लेना है, पेट्रोल अगर लकड़ी वकड़ी जलानी हुई तो देखते हैं खुले में पेट्रोल मिलता है या नहीं मिलता है.
ये भी एक टफ है। बाकी इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी कभी धूप रहता है, कभी पूरा बादल नीचे आ जाता है, कभी क्लियर हो जाता है, और बस यही है यार। चलते हैं और सफ़र अब ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। स्टार्ट होते ही दो तीन चीज़ तो ऐसे ही हो गया, एक तो पहले छाता भूला था, ऊपर से फिर माइक का मॉस गिर गया, पता नहीं स्टार्ट होते ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी पूरी धुंध हो गई, अभी सुपरमार्केट चलते हैं और कुछ ख़रीदारी करते हैं। तो भाई अभी आए एक शॉप पे और यहाँ पे वाईफाई मिल रहा है और मैगी मिल रहा है, बट चिकन मैगी तो नया मिलता है। इतू किमान दाम से 15 एंड वाईफाई। तो इधर से मैं पढ़ के ट्रांसलेट बात कर रहा हूँ। यू डोंट नो हिंदी? नो हिंदी, इंग्लिश, इवन इंग्लिश ओनली इन आगमिश। ओके ये 10 5 ये दे दो, 5 पीस 15 5 पीस ना। हाँ और दिला ले 5 पीस वो 5 5। हाँ इतु किमान दाम से ब्रेड 14 40 और बटर बटर गिव दैट। और क्या चॉकलेट थी आपके पास? लेट मी सी, चॉकलेट तो है इधर। 5 star give me 4 What chocolate is this? Is it a chocolate? Chocolate? What is that? क्या है भाई ये? Rice crackers. Give me 2 How much? 10 Give me 2 2 I think that would be enough for a 2-day trip. Thank you. How do you say thank you? No, no, in Nagamese, how say thank you? In Naga, how you say thank you? Hello. Okay, she's busy. By the way, I took the stuff from here. Chalte. Okay, bye. So, मेरा सफ़र इधर की हो रही था ना, आई होप यस। तो ब्रेड वाई और यहाँ पे ना चिकन मैगी मिलता है, तो चिकन मैगी रख दिया है, देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि खाया तो था मैंने आई थिंक दिल्ली में एक बार, इधर चिकन मैगी मिल गया तो चिकन मैगी लेके चल रहा है। मैगी बोला तो पहले समझी नहीं, क्या मैं खुद ही देखा तो समझ में आया। आगे कुछ चॉकलेट्स हैं और एक कुछ स्टफ है यार। बाकी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती यहाँ पे, तो बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर आगे और दिखाते हैं आपको जूको वैली। तो भाई बारिश हो रही है काफ़ी टाइम से, चल के अभी सिटी से बाहर आए और इधर लिफ्ट मार रहे हैं। यह जगह सही लग रहा है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही है और इधर टर्न है और यहाँ पर जगह भी है, तो यहाँ लिफ्ट मांगते हैं और फिर चलते हैं। मिलती है तो काफी 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उधर, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक था तो nobody can stop in that. Sir, and I'm going to towards that village name is Kisama. Kisama is the right village name, right? Yeah.
No, that's where the Hornbill Festival is held. Okay. Actually, it falls under partly Kigoma and Kesama. All right. Two villages. Okay. So, chalte hain. How many kilometers it is from here? गवर्नमेंट कैंप साइट इज देयर ना लॉज इज देयर राइट फ्रॉम वेयर आई विल गेट इट यू शुड गेट इट एट द एंट्री पॉइंट ओके देन आई विल गेट इट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट Okay. Mostly the Angami tribe lives here? Yeah, starting from Pithama, that is Otsumu, the Moku area, right? Uh-huh. Above that all Angami area till the outside. Okay. And then towards that side, it's still the Rima area. Abhi main Kisama village mein aa gaya. Aur Kisama village mein unhone mere ko jo bolte hain sir and Hello. एक तो बोला कि उधर व्यू पॉइंट है ऊपर वहाँ पे दिख रहा है उधर जाके एक यहाँ पे वॉर सेमेट्री है सॉरी वॉर म्यूजियम है और इधर हॉर्नबिल का सारा वो जितना है ना फेस्टिवल का तो ये घूम लेते फिर जल्दी से चलते हैं इन ऑनर ऑफ श्री रामनाथ कोविंद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रणब मुखर्जी विंडो टू नागालैंड यहीं पे होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आपको ऑफ सीजन में हम आपको हॉर्नबिल घुमा रहे हैं जब कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे तो कितना अच्छा बना हुआ है सब कुछ बट अफसोस मेरा यहाँ पे कोई फोटो नहीं खींच पाएगा That is, ये कौन सा ट्राइब है कचारी ट्राइब कचारी मुरुंग ये उनके घर के अच्छा कचारी मुरुंग ये स्टोन देख रहे हो अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है स्टोन नहीं है एक्चुअली वो है बाकी अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल नहीं है तो सारे बंद होते वैसे अंदर में वैसे रखा होता है सब कुछ What time the marriage will start? One. Yeah. What tribe is it? Angami tribe. What tribe is it? Angami. This. Angami and Takathom. So it's okay. And so, bhai, barish to full tez ho rahi hai. Or. This is Lotha tribe. Lotha tribe ऐसे रहते हैं पूरे घर में वैसे नीचे जाने का है क्या बहुत तेज बारिश हो रहा है भाई रुकना पड़ेगा इसमें ना धान कूटते हैं ऐसे तो डूम डूम वो होता है एक बैम्बू सा ऐसा ही और इससे वो लड़ते हैं रेंगमा ट्राइब तो जितने भी ट्राइब्स हैं उसके यहाँ पे वो होंगे हट तो होंगे जो आपको हॉर्नबिल में हट तो यही रहते हैं बाकी हॉर्नबिल में लोग आते हैं इधर और इन्जॉय करते हैं बाकी मैं बारिश में आया हूँ और इन्जॉय करता हूँ अकेले मज़े में इधर है चाखे सांग कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत तेज़ बारिश आ गई थी इसलिए रुक गए थे
इधर है सुमी मोड़ों, जल्दी जल्दी अब घूमते हैं, अब भागने का टाइम है। बाकी कितना नेचुरल नेचुरल थिंग है भाई यहाँ पे, नेचुरल नेचुरल थिंग, सी क्यूट क्यूट से क्या है, क्या बोलते इसको भाई। एक चीज़ देखो गलती कर दी, जूते पूरे पानी में डूबे हुए हैं मेरे, और ये जी दिखाता हूँ, ये पता है मुझे। आओ इधर, कौन सा ट्राइब है भाई, नाम नहीं पता, इधर नाम नहीं लिखा है। ये है ना बड़ा सा शिप सा, ये पता है क्या है, ये हॉर्न है, हॉर्न इस पे ना ऐसे बहुत सारे होते हैं ऐसे, ये वाले, और ऐसे ऐसे मार देते पहले के टाइम पे इसको, मतलब बताने के लिए एनिमी आ गया या कुछ भी हो गया, तो दिस वॉज अ साइरन। 5-10 लोग एक साथ मारते हैं तो बहुत इको साउंड आता है इसमें। बाकी चलते हैं आगे, कितना बड़ा है, शॉर्ट सा बना है ना, मुझे दिखाया था आपको दीमापुर में। हाउ कूल इज दिस प्लेस यार, इधर पूरा देखो, इधर अंदर जा सकते हैं। हाउ कूल इज दिस प्लेस यार, इधर पूरा देखो, इधर अंदर जा सकते हैं, दिखाते तो अंदर से। यहाँ पे भी है वो, देखो ऐसा हाथी सा फेस बना, इधर आग वाग जलाने का। बाकी अभी अंदर कुछ नहीं है, ऐसे कुछ कुछ मतलब जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो लोग इधर रखा होता है, और क्या यही सब है। हॉर्नबिल का फेस्टिवल दिसंबर का होता है भाई, तुम्हें अगर आप आना चाहते हो तो दिसंबर में आओ, जगह यही है, हट्स ऐसे ही देंगे, उसमें थोड़ा बड़ा रेनोवेशन होगा, बस लोग आ जाएंगे यहाँ पे, अभी अकेले हैं ना, और कुछ नहीं। और मेरा गोप्रो यार नेचर को देख के अपने आप परफॉर्म करने लग जाता है, इतना अच्छा देख के लग रहा है, ऐसे अच्छा है भी ठीक है। खियामनी उंगम मोड़ूंग, पता नहीं मैंने क्या, ओह ओह व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पूरा हॉल है अंदर से, हॉर्न टाइप का है क्या। बाकी अब चलते हैं यार इधर से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 12:20 हो चुका है, बहुत दूर जाना है भाई अभी मेरे को, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, देखते हैं कितना ट्रैक हो सका करेंगे, नहीं तो बीच में एक पॉइंट है यहाँ रुक सकते हैं, मगर वहाँ आग कैसे जलाएंगे भी दिक्कत है, पेट्रोल तो लिया नहीं है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर दे परफॉर्म एवरी टाइम, बाय द वे प्लेस का नेम है किसामा, किसामा विलेज, और यहाँ लाइक 10 किलोमीटर्स हो गए कोहिमा से, और आपको यहाँ टैक्सी भी मिल जाएगा, लिफ्ट भी मिल जाएगा, बस भी मिल जाएगा, ऐसा है कुछ सिस्टम भाई। एग्जिट पॉइंट पे यहाँ से हाईवे वापस से लिफ्ट मारनी है यहाँ से, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कभी और घुमाएंगे आपको जब हॉर्नबिल हो रहा होगा तो। बाकी अभी जुको वैली की तरफ बढ़ते हैं, लिफ्ट मांगते हैं फिर से।